हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 8th क्लास का नया चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अपनी पिछली अपलोडेड वीडियो में चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट कर दिया था और आज हम डेटा हैंडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं और उसका एक टॉपिक ले रहे हैं हम पाई चार्ट। सबसे पहले आप पाई चार्ट के कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आप अपने डेटा को सर्कल ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप अपने डेटा को, आपका कोई भी डेटा है और आप उसको सर्कल ग्राफ के थ्रू शो कर रहे हैं तो वो आपका सर्कल ग्राफ या फिर उसको हम पाई चार्ट कहते हैं जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हमारी एक्सरसाइज 4.1 का, जो कि मैंने बोर्ड पर मेंशन कर दी है, और उसका पहला क्वेश्चन हमारे पाई चार्ट का ही है। यहाँ पे ऑलरेडी एक पाई चार्ट बना हुआ है, ये देखिए आपके न्यू एनसीईआरटी मेरे पास है, न्यू एडिशन, न्यू एनसीईआरटी 8th क्लास एक्सरसाइज 4.1 का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पाई चार्ट बना हुआ है। आपको इसके बिहाफ पर क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। मैंने फिलहाल ये पाई चार्ट आपके लिए ड्रॉ कर दिया है क्वेश्चन में से ही देखकर। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कि क्या हमसे डिमांड करी गई है। देखिए फर्स्ट पार्ट, पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ सर्वे वॉज मेड, एक सर्वे किया गया टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। एक शहर के यंग लोगों का सर्वे किया गया किस बारे में, कि उन्हें किस टाइप का म्यूजिक पसंद है, इस बेसिस पर उनका सर्वे किया गया। एडजॉइनिंग पाई चार्ट, एडजॉइनिंग पाई चार्ट का मतलब इस क्वेश्चन के साथ जो हमें पाई चार्ट दिया गया है शोज अ फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। सॉरी, हमारे को ये पाई चार्ट ये बता रहा है कि जो हमारा सर्वे निकल कर आया उसको, उस डेटा को हमने इस पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक सर्कल है, रफली ड्रॉ किया गया है। 40% लोग लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं, जैसे कि मैंने यहां मेंशन कर दिया है। 30% लोग फोक म्यूजिक पसंद करते हैं, 10% लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं एंड 20% लोग सेमी क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं। परसेंटेज की फॉर्म में हमें पाई चार्ट दिया गया है। हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। फ्रॉम दिस पाई चार्ट, इस पाई चार्ट को देखकर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फर्स्ट पार्ट, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वे, तो कितने टोटल लोगों का, यंग लोगों का सर्वे किया गया था। तो हमारे पास बात आ जाती है, हम क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, पहले आप पाई चार्ट पे देखिए कि क्लासिकल म्यूजिक ये है और ये इसकी परसेंटेज है 10%, यानी कि 10% लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं परसेंटेज की फॉर्म में। अगर नंबर की फॉर्म में बात करें तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, यानी कि हमारे पास क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले लोगों की संख्या भी है और उनकी परसेंटेज भी है। दोनों चीजें हमारे पास क्वेश्चन में दी गई हैं। तो हम ये मानकर, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि टोटल जितने लोगों का सर्वे किया गया उसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, हम ये लिखेंगे लेट टोटल यंग पीपल का सर्वे किया गया था, वर सर्वे बी एक्स। हमने मान लिया कि एक्स लोगों का सर्वे किया गया है, हम ये मान के चलेंगे। अब इक्वेशन को समझिए, कैसे इक्वेशन बनेगी। देखिए, जब हमारे पास सेम चीज, सेम टॉपिक का नंबर भी हो और उसकी परसेंटेज भी हो तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? आप पकड़िए पहले 10%, इसकी परसेंटेज है, देखो 10% यानी कि टोटल लोगों का 10%। इस ये लाइन हमें ये कहती है कि टोटल लोगों का 10% ही
क्लासिकल म्यूजिक पसंद किया जाता है और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वल में 20 आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वल में हमें पहले से पता होगा 20 आएगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 लोगों का को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए परसेंटेज जब भी हमें हटाना हो, ये परसेंटेज का सिंबल, तो अपॉन में 100 आता है, ऑफ हटाते हैं तो मल्टीप्लाई आता है, x को x कॉपी लिया और ये 20, ठीक है, x को यही रहने दीजिए और राइट साइड में 20 को भी यही रहने दीजिए। दो चीजों को हमने अपनी अपनी प्लेस पे ही छोड़ दिया है। जो 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 10 ऊपर था वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर नीचे चला जाएगा। तो ये था इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। 80 से 80 कैंसिल कर दीजिए क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, 2 1 2 और ये है 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 लोगों का सर्वे किया गया था। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, हेंस 200 यंग पीपल वर सर्वे, 200 लोगों का सर्वे किया गया था। ठीक है, यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हुआ। सेकेंड पार्ट बहुत सिंपल सा है। Which type of music is liked by the maximum number of people? Maximum का मतलब सबसे ज्यादा। जब सर्वे किया गया तो सबसे ज्यादा कौन सा म्यूजिक पसंद किया गया लोगों द्वारा? तो देखिए जिसकी परसेंटेज हाई है, 40% इज द हाईएस्ट परसेंटेज, यानी कि लोगों को लाइट म्यूजिक पसंद है। तो हम यह सेकेंड पार्ट में दे देंगे कि लाइट म्यूजिक, इसका आंसर हम देंगे कौन सा म्यूजिक सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, तो आंसर आ जाएगा लाइट म्यूजिक। और तीसरा और आखिरी पार्ट, और इसी के साथ हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने पाई चार्ट नहीं बनाया, पाई चार्ट ऑलरेडी बना हुआ था, बस उसके बेसिस पे क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे हैं हम। इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, एक कैसेट कंपनी है वो 1000 सीडीज बना रही है, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, तो वो लोगों की पसंद का पसंद को ध्यान में रखते हुए कितनी कितनी टाइप की सीडीज बनाएगी। तो हम पहले लिखते हैं थर्ड पार्ट में टोटल सीडीज, कंपनी सीडी बना कितनी रही है, टोटल सीडीज 1000, ठीक है, कंपनी का टारगेट है 1000, कंपनी बना रही है 1000 सीडीज, लेकिन वो इस बेसिस पे बनाएगी कि लाइट म्यूजिक की सीडी कितनी बनाए, फॉक म्यूजिक की कितनी बनाए, वो हम इस परसेंटेज से सॉल्व करेंगे। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं लाइट म्यूजिक सीडीज, लाइट म्यूजिक की सीडीज कितनी बनाएगी, लाइट म्यूजिक का पहले आप परसेंटेज पकड़िए, 40% ऑफ 1000 क्या करते हैं, परसेंटेज हटाते हैं, अपॉन में 100 लगाते हैं, ऑफ हटाते हैं, इनटू लगाते हैं और 1000 लिख देते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 1 4, 400 सीडीज बनेंगे आपकी लाइट म्यूजिक की, ठीक है। फिर हम निकालते हैं, हमारा आता है फोक म्यूजिक। देखिए फोक म्यूजिक की कितनी सीडीज बनेंगी, 30% ऑफ 1000, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, परसेंटेज हटाइए, अपॉन में 100 लगाइए, ऑफ हटाइए, इनटू लगाइए, 1000 लगाइए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 300, फॉक म्यूजिक आ गए हैं 300, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे क्लासिकल म्यूजिक ये सीरीज कितनी बनेगी, क्लासिकल म्यूजिक की सीडीज क्या परसेंटेज है इसकी, क्लासिकल म्यूजिक की 10% ऑफ 1000, क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट, परसेंटेज हटाइए, अपॉन में 100 लगा दीजिए, ऑफ हटाइए, इनटू लगाइए, इनटू 1000 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आ गया 100। और आखिरी पार्ट सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल का भी हम ऐसे ही निकालेंगे, सेमी क्लासिकल की कितनी सीडीज बनेंगी वो भी निकाल लेते हैं हम, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। 20% 20% मतलब 20 अपॉन 100 इनटू 1000,
ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया 200। आप सम करके देखिए 400 जिसमें मैं डबल टिक कर रही हूँ लाइट म्यूजिक की सीरीज, 300 फोक म्यूजिक की सीरीज, 100 क्लासिकल की, 200 क्लासिकल की, सबका सम आ रहा है 1000। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने सीखा क्या आज की क्लास में कि अगर पाई चार्ट दिया हो तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही फिनिश होती है और नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।